बसों कल्याण में बकरीद के मौके पर हीरेमठ कॉलोनी में विधायक शरणु सलगार का अभद्र व्यवहार पर जेडीएस के जिला प्रवक्ता आकाश खंडाले और नवीद कुरैशी जेडीएस युवा शाखा अध्यक्ष बसव कल्याण ने अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि शरणु सलगार विधायक होकर किसी के घर पर जाकर धमकी देना गलत है। अगर कुछ अवैध हो रहा था तो पुलिस विभाग को सूचित करना चाहिए था। बसव कल्याण से कैमरामैन फाजिल के साथ संवाददाता समीर शेख की रिपोर्ट। मैं आकाश खंडाले, जेडीएस डिस्ट्रिक्ट स्पोक्सपर्सन। बहुत सारे ऐसे जो इश्यूज है, लोगों को ऐसा लगा था कि सरकार बदलने के बाद या फिर इलेक्शन के बाद सब चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी, लेकिन आज बसों कल्याण में हमने पिछले एक दो दिन पहले देखा कि बकरीद का जब समय था, तीसरी जब दिन था, दिन में बसों कल्याण में एक जो हेरिमेट कॉलोनी है वहाँ पर एक कुर्बानी दी जा रही थी, और जैसे ही ये सारा इंसिडेंट है हम सब ने सोशल मीडिया में देखा है, और वो इंसिडेंट में जैसे कि कुर्बानी के टाइम में एमएलए खुद जाकर उस जो घर है उस घर में हल्ला मचाने लगे, तुम बाहर आओ हम देख लेते, इनको बुलाओ उनको बुलाओ ऐसा चिल्लाने लगे। तो वीडियो देख के सोशल मीडिया में हम भी बहुत ही एक अजीब लगा कि एक रनिंग एमएलए जिसके हाथ में बसों कल्याण के सभी डिपार्टमेंट है, जिसके हाथ में पूरे जो डिपार्टमेंट उसके हेड है, जिसको पुलिस प्रशासन जो है उनकी सुनता है, इतना सब होते हुए भी ओवर एक्टिंग करने की क्या ज़रूरत थी, ये हमको आज कहीं ना कहीं सवाल उठने की ज़रूरत है। अगर वहाँ पर सही में अगर गोहत्या हो रहा था, पहले तो गोहत्या जो है 1965 से बैन है, वर्जित है, और उसके ऊपर अगर वहाँ पर गोहत्या होता था तो एमएलए साहब खुद डिपार्टमेंट को फोन करके बोल सकते थे, या पुलिस में क्या है उनको बोल सकते थे, वेरीफाई कर सकते थे, और अगर जो एक कानून कोई तोड़ रहा है तो वहाँ पर जाकर उनको सजा दे सकते थे, हो सकता था। लेकिन इसके ऊपर एमएलए साहब कुछ लोगों को वहाँ लेके गए। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, मैं नवाज कुरैशी, यूथ लीग प्रेसिडेंट। देखिए, बसों कल्याण में कुर्बानी के मौके पर तीसरे दिन कुर्बानी हो रही थी, हीरेमेट कॉलोनी में शरणु सलगर साहब उनकी टीम को ले आकर वहाँ एक घर में कुर्बानी हो रही थी, तो वहाँ पे जाके धांधल करे, तो अगर वहाँ पर गलत हो रहा था तो वेटनरी डिपार्टमेंट था, पुलिस डिपार्टमेंट था, उन जाके वहाँ पे इंक्वायरी कर सकते थे। उसके बदल वही खुद जाकर हीरोगिरी कर रहे थे वहाँ पे और नारेबाजी कर रहे थे। तो अगर वहाँ पे आप करना क्या चाह रहे, क्या बसों कल्याण का माहौल बिगाड़ना चाह रहे, क्या आपके दिल में आखिर है क्या? बसों कल्याण में आपको जो लोग वोट दिए वो भी आपके, जो वोट नहीं दिए वो भी आपके, तो आप बसों कल्याण के अमन और शांति, हिंदू मुसलमान सब मिलकर यहाँ पे रहते हैं, यहाँ गंगा जमुनी तहजीब का साथ रहते हैं, लेकिन आप इस माहौल को, बसों कल्याण के मिजाज को समझिए और इस तरह की हरकत मत कीजिए। बसों कल्याण का अमन और शांति हमेशा कायम रखिए। बल्कि मेरी बात खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय हिंद।